दिल्लीरे प्रदूषण रोकिबाकु केन्द्र सरकारको अध्यादेश। नियम भांगिले 5 वर्ष जेल, 1 कोटी पर्यंत जोरिमाना देबाकु पड़िपारे। दिल्लीर वायु प्रदूषण रोकिबाकु दिल्ली सरकारको ऑड इवन योजना फेल परे केन्द्र सरकार जारी कले नुआ अध्यादेश। दिल्ली ओ एनसीआर 18 जन सदस्यंकु नै कमिटी गठित जहां प्रदूषण रोकिबाकु नुआ नियम स्थिर करिवे। गुरुवार दिन प्रदूषण प्रसंगरे सुप्रीम कोर्ट को सुनानी पूर्वरु राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिल्ली ओ एहार आखपाख अंचलर वायु प्रदूषण को रोकिबा क्षेत्र में एक कमिटी गठन पर अध्यादेश जारी करिछंती। सरकार द्वारा जारी कर नियम अनुयायी दिल्लीर वायु गुणवत्ता सह एने जड़ित समस्या अनुसंधान चिन्हट और समाधान काम कर कमिटी। कमिटी रे 18 जन सदस्य रहिबे एवं केंद्र द्वारा नियुक्त जणे अध्यक्षक नेतृत्व रे दिल्ली हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान रो प्रतिनिधि मध्य रहिबे। एही नियम अनुजाई एतिने कोनोसी उल्लंघन हेले 5 वर्ष पर्यंत जेल बा जोरिमाना होई पारे जहां 1 कोटी बा अधिक मध्य होई पारे। एही आयोगर अधिकारी को तांको कर्तव्य पालन करिवारे जदि कोनोसी व्यक्ति बाधा दियंती किंबा निजे जदि प्रदूषण वृद्धि रे कोनोसी प्रकार कार्य करंती तेबे एही नियम अनुजाई एको अपराध बोली विवेचना करा जिवो। राजधानी दिल्ली रे थमिबार ना नेउ नै वायु प्रदूषण। गोटिए पटे कोरोना महामारी अन्य पटे वायु प्रदूषण दिल्लीवासी को पई चिंतार कारण पालटिछि। ज्यादा ट्रैफिक में लगता है महसूस होता है स्मेल से आती है और आंखों में जैसे सूजन हो गई है या कई बार लगता है सांसों में कि हां भाई कुछ कड़वाहटपन आ रही है। बड़ा आफ्टर लॉकडाउन जब फिर से व्हीकल्स वगैरह निकलने स्टार्ट हुए हैं फिर से पॉल्यूशन हो रहा है और अब सर्दियां आ रही हैं। सांस लेने में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है बट जिन लोगों को अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम है उन लोगों को ज्यादा दिक्कत हो रही होगी। जैसे जो अबव 60 वाले जो लोग हैं उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। आजादपुर मंडी इंडिया गेट लोधी रोड भली अंचल रे 0 डिग्री विजिबिलिटी भली परिस्थिति सकाळ सृष्टि होइतिला। दिल्ली सरकार अनेक स्थान रे वायु परिष्कार पंखा जल प्रयोग करबा ट्रैफिक बंद गाड़ी बंद नियम करबा वायु प्रदूषण को रोकिबारे विफल होइछि। गोटिए पटे पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश चाषी मैंने सेमानकर चाषरु बाहरुथिबा अंशविशेष को जाळिबा एवं अनेक प्रकल्प कार्यरु आसुथिबा धूलि वायु प्रदूषण को वृद्धि करिछि। ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज।